It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we. Hey everyone. Good morning. तो आज मेरे चेहरा देख के आपको लग रहा होगा ना कि मैं कितनी खुश हूँ. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी अंशिका की बर्थडे है. फोर्थ बर्थडे है आज उसकी. तो मैं बहुत खुश हूँ और ये हर माँ बाप के लिए इतना बड़ा दिन होता है क्योंकि इसी दिन को उनके लाइफ चेंज होने वाला होता है कि उनकी बेबी जो है वो आते हैं दुनिया में. तो बहुत बहुत खुशी का दिन है और वो दिन को सेलिब्रेट करना मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहता है. इस बार जो है थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि मेरे घर से मेरे माँ बाबा आने वाले थे और मेरे इन लॉज भी आने वाले थे. तो ना मम्मी पापा आ पाए ना माँ बाबा आ पाए क्योंकि हावड़ा की तरफ से जो ट्रेन चलती है रांची तरफ तो इस तरफ ट्रेन अभी बंद है. तो शायद ये 15 जुलाई तक ये बंद है. तो वो लोग का आने का था लेकिन नहीं आ पाए. तो वो थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि अंशिका भी बोल रही थी कि वो लोग आएंगे. तो कोई घर के ही अपने जैसे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो वो लोग नहीं आ पाए और तो जैसे भी हो लेकिन उसको तो हम वैसे मतलब कोई गेस्ट भी नहीं आएंगे. मैं किसी को नहीं बुलाने वाली हूँ. तो मुझे ये सिचुएशन में कहीं बाहर से किसी को बुलाना और अकेले सब करना तो मैं किसी को नहीं बुलाई हूँ. बस हम तीनों मतलब मैं मेरे हस्बैंड और बेटी बस हम तीनों ही इंजॉय करने वाले हैं सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो अब बस बने रहिए हमारे साथ. और अंशिका अभी तक उठी नहीं है क्योंकि कल रात को वो केक कटिंग की थी और क्योंकि उसको पता था कि कोई मैंने हमारे फैमिली में हो या कभी भी वो देखती है कि जिस दिन बर्थडे है उसके आगे वाले दिन रात को उसको तो नहीं पता टाइमिंग क्या रहता है 12 बजे के बाद लेकिन उसको पता है कि केक कटता है. तो इसलिए वो पहले से बोली थी कि मुझे रात को भी केक काटना है. तो मैंने उसके लिए नॉर्मल वाला केक लाया था. फिर वो मैं आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कल रात को उसका कैसे केक कटा था. तो वो देखी और बस थोड़ा लेट हो गया उसको सोना तो इसलिए अभी तक वो सोई है. इसे 7:30 बजे वो उठ जाती है लेकिन आज थोड़ा सा लेट करेगी. तो मेरा मॉर्निंग का मतलब हाउस चोर्स या मेरा बस बाकी है मेरा पूजा. तो जो पहले आज सबसे ज़रूरी है तो वो मैं ऐसे नॉर्मली मॉर्निंग में कर देती हूँ लेकिन आज तो मुझे जल्दी उसी को पहले पूजा ही करना है. और फिर उसके बाद अंशिका की स्कूल है उसका ऑनलाइन क्लास भी चलेगा. तो बस अब मेरे वीडियो में बने रहिए पूरा लास्ट तक और देखिए हम लोग ये लॉकडाउन स्पेशल बर्थडे कैसे मनाते हैं. तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा. तो अब मैं जा रही हूँ. अब वो किसी भी टाइम पे उठ सकती है तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ आगे. अब देखिए ये कल का वीडियो है रात का. तो तब बजा था रात को 10. वो उसका डिनर हो चुका था उसके बाद मैंने उसका केक कटिंग करवाया. तो बस अभी वो उसका केक कटिंग हो जाएगा फिर वो सोने जाएगी. अब उसको लेकिन आजकल के बच्चे बहुत चालाक होते हैं. जैसे ही केक कटिंग हुआ तो उसको उसको वही था उसको गिफ्ट चाहिए था और बैठ गई. वो उठी नहीं बोल रही है कि मामा मुझे गिफ्ट चाहिए. तो फिर उसको एक मैंने उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया भी था डॉल हाउस उसका एक छोटा सा. तो मैंने उस टाइम पे वही गिफ्ट उसको दे दिया. अब देखो वो एकदम वेट करेगी अभी यहाँ पे उठेगी ही नहीं बिना गिफ्ट के. उसको डॉल हाउस बहुत पसंद था तो मैंने छोटा सा ही एक डॉल हाउस लाया उसके लिए. तो बस वो बहुत खुश हो गई. बस अब उसका नींद पूरा गायब. अब बैठ गई उसको खोलने के लिए. अब उसको पापा को बोल रही कि उसको खोलो और मुझे अभी ही खेलना है. और दोनों बैठ के वहाँ पे खोल के उसको असेंबल करने लगे रेडी कर रहे थे उसको. उस टाइम पे उसका नींद पूरा चला गया था तब तक. और मैं उसको जैसे तैसे करके उसको फिर सुलाया. तब तक उसका सोने में पूरा 11 बज गया था. तो काफ़ी लेट वो ऐसे इतना लेट तक तो कभी जगती नहीं थी खाली एक्साइटमेंट वो खिलौना को देख के. बस उसको सुला दिया. अब यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है
क्योंकि मॉर्निंग का मेरा सब काम हो चुका था तो मैंने खीर चढ़ा दिया था। अब हम बंगाली के घर में जो है खीर उसी दिन को बनेगा जिस दिन बर्थडे है। आप पहले से बना के नहीं रख सकते हैं, उसके आगे वाले दिन उसी दिन को ही बनना है। शुभ दिन में खीर बनता है। अब मेरी बेटी उठ के आ गई है। ओ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सोनू, मेरे मेरे बच्चों, मेरे जान, मेरे चांद का टुकड़ा, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। आप पापा का विश भी हो गया, बर्थडे गर्ल बड़ा खुश है आज। अब मेरा खीर बन गया, अब पूजा भी हो गया। अब डेली पूजा के बाद वो मेरे पास वो आती है प्रणाम करने और मैं उसको वो दिया से आरती उसको माथे पे लगाती हूँ, तो वो डेली का वो बात है। और मैं उसका ड्रेस व्रेस चेंज कर दी, ऑनलाइन क्लास होगा उसका इसलिए, तो बस वो अपना एक बेबी को लेके, डॉल को लेके आ जाती है और मैं उसको जैसे जैसे करती हूँ वो अपना बेबी को वैसा ही करती है। अब देखिए उसको, बच्चे भी सच में बहुत मासूम होते हैं। अब यहाँ पे मैं उसको फटाफट उसका ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ। और आज उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी, आलू की सब्जी और मिठाई, तो आज वो वही खाएगी। पूरी उसकी बहुत फेवरेट है तो इसलिए मैंने उसका ब्रेकफास्ट में आज वो पूरी ही बनाई हूँ। बस अभी वो क्लास में बैठ गई और मेरा चालू हो गया काम, तो लंच के लिए जो भी प्रिपरेशन करना था तो वो सब मेरा एकदम फास्ट 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 चल रहा है, क्योंकि वो एक टाइम पे वो खाती ही है, क्योंकि 8-9 बजे पहले वो ब्रेकफास्ट कर लेती है तो उसको लंच भी वैसा ही थोड़ा जल्दी चाहिए होता है। तो आज बहुत कुछ भी बनाना था तो इसलिए मैं बहुत उसको मैंने बिठा के बीच बीच में उसके पास जाके चेक करती थी, और क्योंकि इतना छोटा बच्चे के पास तो बैठना ही पड़ता है पूरा, लेकिन आज काम था बोल के मुझे यहाँ पे भी और वहाँ पे भी दोनों जगह पे संभालना पड़ रहा था। तो मैं फटाफट अभी खाना वाना मैं रेडी कर रही थी लंच के लिए। अब बज गया था 11:30, तो बेटी का स्कूल ओवर हो गया, उसका हो गया स्कूल छुट्टी। तो अब उसका मैं तो लंच भी मेरा लगभग रेडी था, तो बस उसका भी काम था, उसको भी नहलाना था, तो मैंने उसके नहाने के लिए पानी रेडी किया। तो आज उसका जो नहाना है वो भी बहुत स्पेशल रहता है, तो उसके पानी में मैं ऐसे दूध और हल्दी, गुलाब की पंखुड़ियाँ और दुब्बा, तो ये सब मैं देती हूँ उसका। हर बर्थडे में मैं ऐसे ही उसको नहलाती हूँ, वो मेरी घर की लक्ष्मी है तो उसको मैं वैसा ही नहलाती हूँ जैसे भगवान को नहलाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है उसको ऐसे ही मतलब ट्रीट करना, बर्थडे के दिन प्रिंसेस है वो मेरी, तो प्रिंसेस को जैसे, प्रिंसेस भी ऐसे ही नहाते हैं तो प्रिंसेस जैसा ही उसको नहलाना है। तो बस मैं पानी रेडी कर रही हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें मिला दी और बस ये सब हल्दी, फिर दूध और दुब्बा और गुलाब की पंखुड़ियाँ ये सब मैंने उसमें डाल दिया। अब वो उसमें बस अभी नहाएगी अभी तुरंत। अब यहाँ पे नहा के नया ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस उसके नानी भेजी है उसके बर्थडे के लिए। तो बस अब आज का दिन सबसे, जैसे भगवान को प्रणाम करना और मम्मी पापा से आशीर्वाद लेना और सब, अभी उसका ये सब होने के बाद वो फ़ोन पे सबसे बात करके आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया। तो अब उसका लंच रेडी है, ये है बर्थडे काल का लंच, लंच का थाली, और मैंने खूब सारा उसके लिए बनाया है। और पहले जो हमारा रस्म है, जो हमारा रिवाज है कि उसको पहले खीर खिलाना होता है, तो मैंने और उसके पापा ने दोनों हम उसको थोड़ा थोड़ा खीर खिलाए पहले, फिर उसका लंच मैंने उसको खिलाया। तो
तो मैं आज उसके लंच में बनाई हूँ राइस, दाल, मटन करी, टमाटर की चटनी और परवल भाजी, आलू भाजी, बैंगन भाजी और भिंडी की भाजी और कच्चा केला भाजी। हम लोगों का 5 टाइप का भाजा मस्ट है, फिर खीर भी मस्ट है, तो और फिर कुछ मिठाइयाँ। तो वो बहुत स्पेशल फील कर रही थी, बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड भी थी। तो अब हो गया है, हमारा भी लंच हो चुका था। अब मेरा जो काम वो है घर का सब ठीक ठाक करना, पूरा पोछा, मतलब सब जो खिलौना विलौना वो जो सो यहाँ वहाँ की थी तो ये सब करना और सब कुछ जगह पे रखना, सब कुछ क्लीन करके। और फिर जैसे ही बच्चे सोते हैं तो ये सबको पता है कि जैसे ही वो लोग सोते हैं, अभी इसी ही टाइम होता है कि घर का जो क्लीन अप होता है ना वो उसी टाइम पे ही पॉसिबल होता है। अब मैं कर रही हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आज के लिए, वो है बैलून ब्लो करना और सजाना। तो ये बहुत खुश होती है वो जब ये सब काम होता है तो, लेकिन सो गई है और मुझे लगता है कि ये होते होते वो उठ भी जाएगी क्योंकि खूब सारा बहुत सारा बैलून है सजाने के लिए। अब बज गया था 5, तो सब हम लोग वो लोग उठ गए थे, अब सब लग गए काम पे, सजाने का काम पे। तो मेरी बेटी कैमरा की तरफ जंप करके ऐसे देख रही है, तो वो तो बहुत खुश है। अभी वो भी हेल्प करती है ये सब में, उसको बहुत मज़ा आता है, मतलब बैलून ब्लो करना, फिर एक के बाद एक ये कलर दो वो कलर दो ये सब वो जो, तो उसको बहुत मज़ा आता है ये सब। तो फाइनली हम माँ बेटी पार्टी के लिए पूरा फुल रेडी। तो यहाँ पे केक कटिंग स्टार्ट और सब कोई लाइव थे, जैसे मेरे माँ बाबा, मम्मी पापा और मेरे भैया भाभी, मेरी बहन, तो सब कोई लाइव है सामने, मतलब मोबाइल में लाइव चल रहा था वीडियो कॉल पे, और उन लोगों के सामने वो केक कटिंग हुआ। तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि सबको जैसे लग रहा है कि पास ही है और केक कटिंग कर रही है। तो अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे उसका एक गिफ्ट है साइड में जो पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है, तो उसका मन उसी में है। उसमें उसका किचन सेट है, वो मैं बाद में दिखा रही हूँ आगे, तो वो उसी को खोलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो केक काटने का उसको मन ही नहीं था उस टाइम पे, वो उसको बस उसी को ही देख रही कि कब वो खोलेंगे, कब उसके साथ वो खेलेगी। तो वो भी गिफ्टेड है, मैं आगे दिखा रही हूँ। अब ये जो बर्थडे वाला ड्रेस पहनी है ये उसकी मौसी ने भेजी थी, तो ये उसको इतना अच्छा लगा था, जैसे ही मैं उसको खोली वो पैकेट, वो बहुत खुश हो गई थी देख के कि पिंक उसका बहुत फेवरेट कलर है, तो इसलिए देख के तुरंत बोल दी बहुत सुंदर है मम्मा ये ड्रेस। अब जा रही है सबको केक खिलाने, हम लोगों को खिलाने के बाद वो मोबाइल में जितने हैं लाइव सबको अभी केक खिलाने गई है वो। अब उसका इंतज़ार हुआ ख़त्म, केक कटिंग के बाद ये गिफ्ट मैंने उसको खोलने के लिए परमिशन दे दी। और ये जो गिफ्ट है ये मेरे भाई, मतलब उसका मामा मामी भेजे हैं,
बर्थडे के लिए। और उससे मतलब बर्थडे से पहले मेरे भाई ने उसको पूछा था कि क्या चाहिए, तो वो तुरंत बोली थी मुझे एक बड़ा सा किचन सेट चाहिए। तो ये आ गया था बहुत दिन पहले, लेकिन मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी, इसलिए मैं बस इसी दिन के लिए रखी थी कि जब केक काटेगी उस टाइम पे मैं दूंगी। अब वो इतनी खुश थी उसको देख के कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसको तो लड़की लोगों को तो ज़्यादा अच्छा लगता है वही किचन सेट, खाना बनाना ये सब, तो उसको वो बहुत एक्साइटेड थी उसको खोलने के लिए, कब सेट होगा, कब असेंबल करेंगे, फिर वो खेलेगी, बस वही इंतज़ार में वो अभी किससे वो जंप कर रही है। देखिए उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, देखिए उसको कैसे कैसे वो खुश है। सो ब्यूटीफुल, कौन दिए है ये? मामू दिए है। मामू? हाँ। अच्छा, क्या करते हो इसमें तुम, दिखाओ तो। मैं नाना करती हूँ, खिचड़ी बाटी को बेबी को खिलाऊंगी। बेबी को खिलाओगे? अच्छा, उठूंगी फिर उठूंगी, बेबी खाएगी फिर बेबी सोएगी, काम दे दे। बहुत काम है तुम्हारा। खाएगी, तो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा बर्थडे एकदम हो गया, अच्छा ही हुआ, लॉकडाउन में इतना ही बहुत अच्छा है। बहुत एंजॉय की ना अंशिका? हाँ, बहुत मजा आया ना? बहुत मजा आया। हाँ खाओ खाओ, तुम्हारा ही है। तो फिर बहुत मज़ा आया, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और बस कोई नहीं आए, वो थोड़ा ख़राब लग रहा था, लेकिन सब कोई आजकल तो इतना सुविधा है कि सब कोई एकदम लाइव जैसे चल रहा था, सब मेरे भाई बहन माँ सास ससुर सब कोई लाइन मतलब वीडियो कॉल पे थे जब हमारा केक कटिंग हुआ, तो बहुत मज़ा आया। अंशिका थोड़ा डांस भी की, लेकिन वो वीडियो मैंने नहीं ले पाई। अब उसको उसके मामू जो भेजी है, मामा मामी जो भेजे हैं किचन सेट, उसी में वो इतनी मशगूल हो गई कि मतलब वो देख के ही उसको लंबा सा, और कुछ नहीं करना है, उसको खोलना है, उसको सेटल करना है, सेट करना है, बस उसी में खेलना है उसको। तो अब हो गया डन, तुम्हारा बर्थडे फिनिश हो गया, ख़त्म? हाँ, हो गया, हो गया। और कुछ नहीं है, खेलना है खाली। और मामा तुम्हारे लिए क्या करेगी, थोड़ा सा और क्या करेगी मामा तुम्हारे लिए, बोलो। गाना गाएगी मामा? गाना गाएगी लग जाएगा ले। अच्छा ठीक है, ओके। तो मेरी बेटी को बचपन से पता नहीं क्यों लग जाएगा ले, मैं मुझे ये गाना बहुत पसंद आता था, मुझे अभी भी वो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब इसको छोड़ जब मैंने बचपन से जब से उसको सुलाती हूँ या कुछ कर रही हूँ, मैं हर टाइम वही गाना मतलब गाती हूँ, तो उसका वो हैबिट है सोने के टाइम पर, आज तक वो वही गाना सुन के ही वो सोती है। तो आज उसका बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी आप लोगों को सुनाऊँ। मैं ऐसे बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है, गाना गाती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं आप लोगों को सुनाऊँगी। उसके बर्थडे स्पेशल है ये, सुना सुनोगे तो लग जाएगा ले। ओके, तो मैं लिरिक्स पहले निकाल लेती हूँ, मुझे तो पूरा याद नहीं है, साउंड नहीं करना, ओके। सिंगर नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है गाना, और मेरी बेटी को ये गाना बहुत पसंद है, तो उसका बर्थडे पे ये गाना बनता है उसके लिए। जब बोली है वो भी मुंह खोल के जी गाना गाना है, तो तुरंत बोल दी लग जा गले, तो उसको मतलब एकदम बहुत अच्छे से पता है कि वो गाना मामा को अच्छा लगता है और मुझे भी। स्टार्ट सुना, तुम सुनो बैठ के थोड़ा, या सुन के सो जाओगे क्या? बैठो तुम सुनो और खेलो, ओके। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद
फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले ए, ए, तुमको हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले ए, ए, पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले ए, ए। सोना मजा आया, थैंक यू, क्लैप करो क्लैप करो क्लैप करो, वाह। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा मतलब इरिटेट हो गए हैं तो मेरा गाना सुन के, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो वो बोली भी गाने के लिए, तो मैं सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सुना दूँ। ऐसे मैं बाथरूम सिंगर हूँ, ऐसे मैं सिंगर नहीं हुआ, मैं गाती नहीं हूँ ऐसे नॉर्मली, मैं सीखी नहीं हूँ कुछ भी, मैं ऐसे ही बस गाती हूँ मन होता है तो बस। अब हो गया उसका बर्थडे लॉकडाउन वाला, तो अब खाना सब दिन का बचा हुआ है, खूब सारा खाना मैंने बना ली थी, तो बस वही सब अभी रात को खाना है और सो जाना है। मैं तो पूरा टायर्ड हूँ क्योंकि सुबह से पूरा एक के बाद एक सब काम, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा एक काम था ये सब बैलून वैलून लगाना और उसको ब्लो करना, तो ये सब बड़ा मतलब बहुत ये ज़्यादा टायर्ड कर देता है ये सब काम। तो बस अब हो गया, बहुत अच्छे से हो गया ना सोना, बहुत अच्छे से हो गया ना। और सबको बोलो तुम्हारा ड्रेस कैसा लगा बोलने के लिए, बोलो कि मेरा ड्रेस अच्छा लगा, तुमको अच्छा लगा, उन लोगों को कैसा लगा वो लोग बोलेंगे ना, तो तुम बोल दो कि मुझे बताना कमेंट करके, हाँ कि कैसा लगा आपको ड्रेस। सोना ड्रेस गंदा हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करते, जाओ गो वॉश योर हैंड्स गो। तो इसको एक्चुअली ये केक नहीं पसंद है उसको, नॉर्मली वो जो कल रात वाला जो केक खाया था ना हम सबको वही पसंद है, ये किसी को नहीं पसंद, लेकिन कलरफुल रहता है तो सब बच्चों को यही खाना होता है, और खाना तो ये नहीं खाती है, खाली हाथ में ऐसा वैसा करती है, गंदा करती है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस आप कॉमेंट करके बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरी बेटी को खूब 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 सारा उसको ब्लेसिंग्स कीजिएगा, वो एक बहुत अच्छा इंसान बने। पैसा तो सबको ही कमा लेते हैं बड़े होके, लेकिन इंसान बड़े मतलब अच्छा होना होगा, तो इसलिए जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करें या एक मतलब छोटे को प्यार दें, मतलब किसको कैसे बात करना है ये सब जानना उसको ज़रूरी है, और उसको खूब सारा ब्लेसिंग्स कीजिए कि जैसे वो अच्छा एक इंसान बने,
सबके दुखी में वो दुख जैसे सबका ले सके, जो नीडी हैं उनको हेल्प कर सके, बस मुझे यही अच्छा लगता है। उसको भी मैं बचपन से वही देना चाहती हूँ कि वो फालतू का पैसा ये सब बर्बाद नहीं करके, उल्टा मतलब पार्टी वार्टी से ज़्यादा अच्छा है आप अगर कहीं पे वो नीडी पीपल अगर हैं उनको देना, तो वो मतलब कोई दिखावा नहीं होता है, वो होता है कि बच्चे जो होते हैं ना उनके वो एक नेचर में आ जाता है। अगर फैमिली में ऐसा वो डे वन से बचपन से वही देखते जाएंगे ना, तो फिर वही वो लोग मतलब अपने नेचर में डाल लेते हैं। तो इसीलिए अभी से ना वही उसको अगर बच्चे को किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादातर मैं वही ट्राई करती हूँ हर बार करने का, लेकिन इस बार वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे से। तो बस ऐसे ही बर्थडे रहा मेरा, और मेरा नहीं मेरी बेटी का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पता नहीं नेक्स्ट वीडियो मेरा ब्लॉग होगा या रेसिपीज़ वगैरह में लेके आऊँगी, तो ये तो आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देंगे तो। तो ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख सकें। तो चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बोलो, बाय। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। सूरज है।